हजारों मंजिले भी होवे, ढूंढेंगी ना जाने हम कहाँ होंगे, किस दिया में बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, याद रह जाती है मगर इंसान चले जाते। यारो मुझे किसती का भी कोई गम नहीं, ना गम किसती के डूब जाने का, मगर गम तो इस बात का है, वो किसती वहां डूबी जहां पानी बिल्कुल ही कम था। किसी ने पूछा अजमाने से, किसी ने पूछा जमाने से, तेरा कुटुंब परिवार कितना है, जय हो। किसी ने पूछा मुझसे, तेरा माँ बाप से प्यार कितना है, जय हो। यह तो सब कुछ सब ने पूछा, मगर इतना किसी ने ना पूछा, तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। एक दिन हम सर को चले, क्या भाई, एक दिन हम सर को चले, क्या हो, पर दिल में भी कुछ अरमान थे, एक किनारे बागे बहार थी, दूसरे कबूरी स्थान थे, एक किनारे बागे बहार थी, बहुत अच्छे, दूसरे मुड़दा स्थान थे, एक मुड़दे की हड्डी पलान दबी, पर वह हड्डी भी कहने लगी, पापी जरा समझ के चले, हम भी कभी इंसान थे। पूर्ण मास कहने लगा, हो मेरी मैया, रोना बिल्कुल बेकार है, मत रो मेरी माँ, मत रो माँ, मेरे कलेजा छुरी बगने लगी। पूर्ण माता से, पूर्ण मैया से कहने लगा, वो मैया तुमने दिल कमजोर किया, तुमने मन कमजोर किया, यही लिखा था वो कर्म मेरे, मुनिया ने वो सिर तोड़ दिया। पूर्ण मैया से, पूर्ण मैया से कहने लगा, वो मैया मेरी माँ तो मत रो, जो मेरे कर्मों में लिखा नहीं मिट सकता, माँ जम जो मिल गई कोठड़ी अंधेरी, बैठ गई पावी ना लाई दे, शाबाश, जिसे जिद भी मिट्टी बिच रोड़ दिता, मेरी मैया चांदनी पावी किसी नो नहीं छड़ दी, बिल्कुल तू बड़े आराम से महल में बैठ माँ, ऐसा ख्याल करना के मेरे कोई भी बच्चा नहीं जन्म लिया, शब मेरे कोई संतान नहीं, ना माँ मुझ पर कोई ध्यान नहीं लगाना, वो जलाद पूरन को बैया से पकड़ के बागों की तरफ ले चले,
भाई। जब पूरन को ले चलते हैं, इछरा चुवारे के ऊपर खड़ी हो गई, दूर से देख रही, हाय पूर्ण करने लगी। पूरन से पैवा जा पांदी इछरा रानी, क्या बोल दिए, एमी बाप का पीछो जान नगवा जाननी गमापूर्णा दाग पुत्रदानी मानो लापूर्णा जल के माता तेरी दे पाग हो है बुरे हुंदे मानो पुत्रां दे दाग। पर कौन सुने इछरा पई कुका दी जांदी जलाद पूरन को बागों में ले गए। जय हो। जब पूरन कुएं दे पास खड़ा है और जलाद पूरन के हाथ पैरों के ऊपर तलवार चलाने लगे, शाबाश, दया उमंग आ जाती है, दिन में तरस लग जाता है, इस कोमल शरीर को कैसे तलवार चलाएं, चलो हम पूरन की जान बचाएं। अरे पूरन जा तू कहीं देश व प्रदेश में गुजारा कर, जय हो। हम तेरे बजाय किसी हिरन को कत्ल करके उसका खून लूना के पास ले जाएंगे।
क्योंकि लूणा के खून पूरन के खून में और हिरन के खून में कोई अंतर न होता, इंसान का और हिरन का खून एक होता है। अरे जला दो, कोई फैसला है ये, कोई इंसाफ है क्या? इच्छरा के लिए अपना बच्चा पूरन प्यारा, हिरनी के लिए हिरनू नहीं प्यारा, अपने अपने बच्चे सब जो प्यारे होंगे और क्या। अरे जला दो, देर नहीं करो, तो मेरी मासी नहीं मर जाए भाई, छोड़ कटार चलाओ, मेरी मासी लूणा के पेट की दर्द हटाओ। जलाद पूरन को ठंडा चला देते हैं, पास खड़े जलाद पूरन दे ये लादता हाथ पैरा दो कटार, ये तीन बूंदा खून दी गिरिया हो पूरना होर बग गई दुदवाल धारू कर दो जलादा ने चलाए हाय और फैर हो गया था जाद कर दो जलादा ने चलाए हाय और फैर हो गया जान बचान खातर ये रब ने रूप धारण कराया पौड़िए पौड़िए छत पाके बिछाना पूरन नो ही लगाया जद ये चांद हो रे सूरज कब लाए हाय और पाखर हो गया हो सारे जंगलार पंछियों चार लाए हाय और पूरन को कटार चला देता हाथ पैर कत्ल कर दी और कुएं में गिराने लगे तो सारी धरती काम जानती। भगवान जी देखते हैं इस मात लोक देव पर कौन सा अपराध हो गया, जब देखा बेचारी इच्छरा का पूरन बिना गुनाह से कत्ल कर दिया है, तो पूरन की रक्षा करने के खातिर भगवान जी अपना रंगारू भेष धारण कर देते हैं, रंगारू भगवान जी बन जाते हैं और कुएं बीच पौड़िए पौड़िए छत्र पाके ऊपर से फूलों का बिछावना ला देता। जब जलादा ने चक्या पूरन कुएं के बीच में गिराया तो भगवान ने आस्ते आस्ते पकड़ के फूलों के बिछावने के ऊपर सुलवाए, तो भगवान पूरन की रक्षा करते हैं, एक रिजक का पत्ता पूरन के मुख बीच पा देते हैं, पूरन की जान बच जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। दूसरे किनारे बाबा गोरखनाथ जी कजली वन में और तीसरे किनारे जलाद पूरन के खून का कटोरा लूणा के पास ले गए। ला लूणा सामने पूरन का खून, लूणा ने जब पूरन का खून देखा हाय भगवान अब मेरे मन की तमन्ना पूरी हो गई, यही अमला सच यही मेरे मन में खटका था वो आज पूरा हुई। शाबाश। दूसरे किनारे जब इछरानो मालूम हुआ मेरा बच्चा पूरन बढ़ दिता हाथ पैर कट दीते कुएं में सट दिता हाय पूरन लाई रख दी आंद और पानी भी सट दिता है। पूरन के वियोग के बीच में रानी इछरा नैनों से ज्योति भी चल जाती है और रूणा बोलती काय रोया कर जी मेरी सौकण बड़ी रोया कर, याद है ना पूरन की बड़ी याद आई है, आओ तेरे पूरन का खून मैंने मंगवाया उसने देख के अपने दिल में शांति कर। अच्छा सौकण तय मेरा बच्चा कत्ल करा के ता तेरे दिन की शांति हो गई, जय हो भगवान मेरी पुकार सुनेगा, जैसा जीवित बच्चे का दाग तय मेरे कलेजे लाया उसी तरह ही तेरे कलेजे के भी ऊपर जीवित बच्चे का दाग लगेगा।
इच्छरा ने श्राप दे दिया लूणा को। जय हो। और चौथे किनारे बाबा गोरखा कजली मन विच बैठे अपने चेलों से कहने लगे हैं, ये गोरख यख दे चेले आलो तुसी सतगुरु दा अंत नहीं पाया, एक साल कोण दा बाद है राजे सलेमान दा प्रजोगी दे जिलो ही बसाया, जोगिया ने किया बचार ना था किया हो बचार, चलो बाण खंडिता जाए ना हो बाबे गोरखा ने किया हो बचार, माया किया हो बचार चलो बाण खंडिता जाना ये गोरखा ने किया करिला बचार, चलो बने खने जामना बब्या गोरखा ने किला था बचार मन में करिला बचार, चलो बने खंड जामना। अरे गोरख कहता सुन बचे लो सुन लो बात मारी रे, गोरख कहता सुन बचे लाजी सुन लो बात हमारी चेले हो सुन लो बात हमारी रे, हा हा अब चल कट रजनी जगना चूड़ा ला वो महापर राधा डेरा लाना जंगा, हाय जोगिया ने किया वो बचार भैया किया वो बचार, ओ बचा चलो बन खंडी हो जाना, जोगिया ने किला था बचार मन में करिला बचार, चलो बने खंड जामना गोरखा ने करिला था बचार मन में करिला बचार, आया रे नौलख चेला साथ हो चला जी। अरे गोरख चल चली आया क्यों नहीं आए गोरख सिद्ध चली आया रे, कहा सैलकोट के बीच में जाना है, सैलकोट नगरी छोटड़ा रजवाड़ा वहां पर डेरा लाना है, नौक लख चेला बाबे गोरखनाथ दे साथ चल के शाबाश सैलकोट के बागों में डेरा लगा लेते हैं। लेकिन जब से पूरन कत्ल हुआ उसके बाद वो हरा बाग था सुक्का हो जाता है, शाबाश सुक्या बागा बीच सतगुरु गोरख जी बैठे हैं, नौलख चेला साथ बैठा है। जय हो। बाबा गोरख ने एक अपने चेले नो कहा जावे बेटा ये ले कर मंडल और क्या मुझे बड़ी भारी प्यास लगी है, तुम जाओ इस कुएं से पानी भर के ले आओ। भाई वो चेला चले आता है, करमंडल हाथ में लेके कुएं पर खड़ा हो गया, ले जाओ डोल जब कुएं में गिराया वो डोल पूरन के साथ अड़ गया। उस चेले ने समझा महाराज पता नहीं थी कोई बुलाए हुई और क्या है हेड़ा नहीं हो जब उंजोई तुम्हारी दो थाल लिख हुए मुंजा जो नठ्या। जिस वेले चेला बाबे गोरख जी के पास महाराज मैं नहीं पानी भरी सकता ना, बोला क्यों नहीं महाराज और पता नहीं क्या मसाल है महाराज जब तक खूए मुझे और क्या मैं डोल सट्टिया ले लग्या खिंचवाने ताती नहीं थाल लिखा लाया जोर महाराज पानी नहीं भर सका, तू अंतर्यामी है करया मात दे पूरे भगवान तुसे चलो आप हे बाबा गोरखनाथ जी आप ही साथ चलेंगे
टा पानी निकल सकता है। मूर्ख जी उसी वेले उस कुएं के ऊपर आ जाते हैं, जय हो, सारे चेले आसन लगा देते हैं। हाँ, बाबा गोरखनाथ ने कहा अरे कौन भूत है, प्रेत है या पुत्र है इंसान का? नीचे से पूर्ण बोलता ना मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, एक पुत्र है इंसान का, जय तेरा दिल में दया क्यों मंग है, मुझे कुएं से बाहर क्यों नहीं निकालता? जय हो, हे भगवान यदि तेरे दिल के बीच में दया है तरस आता है तो मुझे इस कुएं से बाहर करो भगवान, फिर मेरा परिचय ले लो। भाई गोरख ने समझा ये कौन आदमी है। हाँ? ये क्या है? ला बेटा लेज पकड़, मैं तुझे कुएं से बाहर करूं। हो महाराज मैं लेज कैसे पकड़ूंगा भगवान, ना मुझे हाथ है ना मेरे पैर है, लेज पकड़ने का कोई भी साधन नहीं। हे भगवान तुझे ना जाने एक मानव शरीर बनाते बनाते इस बंदे को हाथ पांव लगाने में भूल गया। जय हो, अब क्या करें? गोरख ने सत दी डोर बना के कुएं में गिरा ली। ले बेटा तुम अपने बाजू से डोर के साथ लगाओ, तुझे मैं सतगुरु की शक्ति के जोर से कुएं से बाहर कर दू। पूरन ने जब उस डोर के साथ बाजू लगाया गोरख ने पूरन को कुएं से बाहर कर दिया। जय हो, जब देखा पूरन का हाल गोरख जी के नैनों से आंसू आ जाते हैं। अरे कौन ग्राम है, क्या नाम है, कौन है पिता तुम्हारा, किस पापी ने कत्ल किया और किसने कुएं में डाला? महाराज श्यालकोट नगरी है सलेमान पिता हमारा, मेरी मासी लूणा ने जलादों के हाथ दे के मुझे कत्ल करा के इस कुएं में डाला। और क्या, ये भगवान मेरी मासी ने कत्ल कराया। महाराज तो सारे चेले बोलते ओ महाराज हे बाबा गोरखनाथ जी इस बच्चे की जान बचाओ, इस बच्चे की जान बचा दो भगवान, या तो हम सब इसके पास बैठ जाएंगे सेवा करने के खातिर। बाबा गोरख ने एक चिट्टी चादर पूरन के हाथ पांव पर रखी, अपने सतगुरु श्री मच्छिंदर जी को दत्तात्रेय जी को याद किया, भोले शंकर को याद करते हैं और अपना हाथ पूरन पर फेरा तो पूरन के हाथ पांव लग जाते हैं। जय हो, और पहले से दुगुना रूप पूरन बल के पास आ जाता है। हाँ। पूरन की जान बल बच गई, बोल कृष्ण बल दे की जय हो। अब पूरन खड़ा हो गया, परदक्षिणा लेके गुरु जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा गोरखनाथ ने कहा अरे बेटा पूर जाओ रे बेटा श्यालकोट ता चली जाओ, अपने पिता के चरणों अपने पिता के चरणों शीश नवाओ, जाओ रे बेटा श्यालकोट हो चली जाओ, जाओ रे बेटा श्यालकोट बे चली जाओ, अपने पिता के चरणे अपने मैया के चरणे ये शीश नवाओ, जाओ रे बेटा हो श्यालकोट जाके गुरुआ में साधु पाया बसेरा, कोट जाइए पूरन बेटा तुम जाओ बेटा अपने पिताजी के चरणों में सर झुकाओ और राज भी कमाओ। है पूरन अब चले जाओ। नहीं महाराज नहीं महाराज मान जाना। अरे बेटा क्यों नहीं, क्या करूंगा जाके, ये मेरी मासी लूणा मुझे देखेगी तो दोबारा कत्ल करागी। जय हो, हूं की बार तो महाराज तुसे बचाई दीता, फिर कैसे बचाना। हाँ? मानू जाना नहीं मारा मा तू सागे रणायत थी। हाँ? अरे पूरन तू राजों का बेटा होकर के जोगी कैसे बनेगा, जोगा भाव तो बड़ा भारी मुश्किल है और क्या? बड़ी कठिनाइयां होती है। हाँ?
अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बदन को कपड़ा नहीं, नंगे पैरों से चलना पड़ेगा और बड़ में कंद और मूल खा के गुजारा करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मां के छुप नहीं खाना नहीं, मां तेरे चरणा बिच रहना, भूखा रंगा प्यासा रंगा, हे मेरे सतगुरु मुझे मत बिसारो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। जय हो। गोरख ने समझा अब क्या करूं, मैंने चेला बनाना नहीं, मैंने वो चेला बनाना है जिसके हृदय में कोई आकर्षण शक्ति हो। गोरख ने याद आ गई, मेरी चेली है रानी सुंदरा, वो रानी सुंदरा ने 12 साल तपस्या की है, अमर काया का वरदान पाया। रानी सुंदरा के लिए श्राप है कि जब तुम अपने हाथों की भिक्षा किसी भी योगी को देंगी स्वर्गवास हो जाएगी। तो रानी सुंदरा का नियम है कि अपने हाथों की भिक्षा किसी भी योगी को नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं। जो भी कोई दर पे योगी आवे उसे या कत्ल कर देती है या जेल में बंद कर देती है। भाई ये सुंदरा रानी का नियम है। गोरख जी ने समझा कि यदि पूर्ण में कोई शक्ति होगी तो सुंदरा के हाथों की भिक्षा लाएगा जरूर, बिल्कुल। यदि इसमें कोई शक्ति ना होगी तो रानी सुंदरा से पावे कत्ल करेगी पावे जेल में रखेगी, पर मेरा पीछा तो छूट जाएगा। गोरखनो ये ख्याल आए तो पूरन की शक्ति की परीक्षा करने के खातिर गोरख जी पूरन से कहने लगे, अरे बेटा पूरन तेरी भावना पक्की है कि योगाभ्यास लूंगा। बिल्कुल हाँ महाराज, जान जाए लेकिन सतगुरु के चरणों का पीछा ना जाए। बिल्कुल। तो बेटा अच्छा जाओ, रानी सुंदरा जो है महलों में है, रानी सुंदरा के हाथों की भिक्षा लेके आओ और मेरे पास दी भिक्षा का भोजन चढ़ाओ, तब तुझे आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। पूरन के हौसले का ठिकाना नहीं रहेगा। पूरन बोलता हे भगवान ये बेटा मुझे मंत्र मिली है गया गुरुवारा, है और ये बेटा मिलू रहा हिस्सा मुझे, पूरन क्या काम करा। ये कौन पंछी पदविदा, जय हो तेरी, कौन है मूल विंडाल, बहुत अच्छे, कौन सरोवर जल बिना, जो कौन है मौत बिनु काल वे, जो सत है मूल बिन डाल वे, नैन सरोवर जल बिना, जो नींद है मौत बिनु काल वे। ले झोड़ी कर मंडल हो पूर्णा, ले झोड़ी कर मंडल हो पूर्णा, वो बारा फेर दाही आया वे, शीश सतगुरु बेलवा के पूरना, तू सुधरा दे मैलानो अठेल ना हो जो आई गया वो लोटा नवो मेरा जोगी जागी, हाँ मन वसे आवो बा रागिया है, जो भी आए
जोगिया है पे चले गया। दर पे अलख जगा दी। जय हो। रानी सुंदरा ने जब अलख नाम की ध्वनि सुनी, हे भगवान आज कौन जोगी आया? अरे बांदी जा दौड़ के। और क्या? पला देख मेरे इस दरा पर केड़ा जोगी आएगा है। जोगी ने संभाल लाए भाई। बांदी विचार कर दी, ये रानी खांदी खसम आज कोई जोगी आवे पावे जेल लानी ना चावे कत्ल करना। और क्या? मेरे लिए हुक्म लगा दी भाई। कितना जोगियों की जीवात्मा की हत्या मेरी जान पे ला दी थी। आज मां कुछ हुनर करने पीछा देनी और जोगी नठाई जाए। बांदी ने सिंगार किया, एक थाली विच भिक्षा ले ले और छम छम कर दी, दर पे आ जा दी। बहुत अच्छे। जब पूरन दे पास आई और पूरन का चाँद सा मुखड़ा देखा तो बांदी मूर्छित होकर धरती गिर जाती। क्रिया ठीक ही। चार कड़ी बाद जब होश आई, भाई हे भगवान केड़ा भांग का जोगिया है, केड़ा भांग का जोगिया है, चांद सा मुखड़ा है भाई। वो जोगी ला पीछा काट अपना बर्तन, हाँ तुझे पीछा दे दू। और क्या? क्योंकि जान बचाओ कर नठ नठ। अरे बांदी मुझे क्या डर है इस दर पे। और क्या? वो ये रानी सुंदरा बड़ी कम जाती। और क्या? ये नहीं छाड़ दी जोगी आज। बिल्कुल नहीं। तार जब तू देखना सदा बाटी देना बाटी। और क्या? ये सारी छाड़ना नहीं जल ला देना ऐसा। जा हाँ। मैं नीले कल ले पीछा दे दूँ तू जो नठिया। पूर्ण बोलता है ऐसी बांदियों की भिक्षा नहीं मैं लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। जितना हठ रानी सुंदरा के लिए है क्या जोगियों को भिक्षा नहीं देती है? बजाय भिक्षा के कत्ल कर दे। मैं भी वो हठी जोगी हूँ। और क्या? हठी। आहा बड़ा हठी है बहुत। जब तक रानी सुंदरा नहीं आएगी जोगी जान छोड़ के नहीं कभी जाएगा। बिल्कुल नहीं। दा बोल रानिया एड़ा जोगी आए रहा तेरे दरबार तेरे हथारी भिक्षा मंगवाए तब थे तक जे तू दुनिया आना तब थे तक माँ बनी जाना। बिल्कुल नहीं। लिखना ही नहीं। अच्छा दुआई लू तू जब भिक्षा भिक्षा का निरादर किया तेरा तू आऊ दुआई तू जो पीछा। और क्या? देखो नी गुड़ा डना ते सा। आहा और बांदी जो थी बड़े क्रोध दे नाल अपने रानी सुंदरा दे पास आ गई। सुंदरा रानी बोली अरे बांदी वो केड़ा जोगी है दर पर? हाँ चुप्पी रहे ऐसा गल्ला नहीं बोली। बड़ी भाई कमजात जोगी है। हाँ केड़ा कमजात था
पूछनी तू झाड़िया गला दसी जा नहीं भाई तू सुनो धाल धाल देखिया भला हारी देखिया मुंजो और क्या तुझो नहीं और दस दो बोले क्या बोल रहा मुंजो ला सुन हा भिषा दे सुंदरा रानी ये वो भिषा दे सुंदरा रानी भिक्षा दे दे सुंदरा रानिए जोगी आन खड़ा तेरे दरबार है मेरे हथारी पीछा मंगवाई सुधी हाँ रानी तेरे हथारी पीछा मंगवाई थी नी पर मुझे से तो बड़ा भारी खराब हा मुंजा देखने जाए बुरा लग्या मां मेरे हथारी पीछा मंगवाई अज तक इतने जोगी किसी ने भी इतना ऑर्डर नहीं किया था सामर्थ्य जिसके अंदर है इन्हीं किता मुंजो ऑर्डर ठहरा होंगे स्वभाव और रानी सुंदरा को इतना क्रोध आया तंड तार चढ़ गई भूखेगी फिर चार घड़ी बाद एक ख्याल आ गया नहीं इस बात में कुछ राज राज है क्योंकि आज दिन तक किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया ये जो जोगी आया इसने मुझे ऑर्डर किया है कुछ बात है रानी सुंदरा सोचा ही इन्हें नहीं जाना नहीं है नजर ले जाऊंगा दूजे हथे तलवारा बा टुकड़े बा टुकड़े रानी सुंदरा जो है अपना हार श्रृंगार लगा श्रृंगार करके एक ही हाथ रानी पीछे ले और क्या थालिया में जो हीरे मोती पाई और दूजे हाथ तलवार ये मैं देने जाए नहीं ना ये कहने सामने आफा बार ती सुका खरीद रानी सुंदरा छम छम कर दी दर पे आ जब पूरन के पास खड़ी और पूरन के चेहरे पर सुंदरा की नजर लगी मूर्छित आयो कामनी कामनी ये मुंजोले गुरी पौने और क्या पूर्ण देखा पलो या साफ क्या हुआ इन क्या मेरा करंट लग जाऊंगा बांधी आई से भी तरती रानी सुंदर आई से भी तरती है मैं सुने बोला है सुंदरा जोगी बढ़ी थे जेला च रखा से आपू नहीं जानती मुझे बचती और क्या को चौकड़िया बाद हे भगवान ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा है इस बात में कुछ राज है अरे जोगी तेरा नाम क्या है तू अपना नाम दे सीजे सत्य बोले सत्य और रानी तो क्या मेरा टेपुड़ू लाना और क्या जोगियों की जात नहीं पूछी जाती है जोगियों का नाम नहीं पूछा जाता है नहीं ना जोगी अरे तेरे पूछी ये मेरे माला च बड़ा भारी खटका खटका है चलिए सुनाई जी मुझे अपना नाम पूर्ण क्या बना फिर
पूरन तेरे दर पे आया और क्या मेरा नाम पूरन है पूरन हाय जब पूरन का नाम सुना रानी सुंदरा भूलीगी भूली से थोड़ी सलाई हे भगवान तैने आज पूरन का मुझे दर्शन कराया वाह फिर क्या बोला तू हो पर जोगी वो मेरे माता दी जावा से आवो बिना मेरे बसे आ वो पानी बताया मैं लारा मेरा दाम लो जानो जोगी पूरे नाम हाँ मन बस आ जोगी पूरना है सारे बाने कि जाऊं राजा वाले कपड़े बनाऊं करी बाबा राजस्थी वस्त्र बनाई कि तू मेरा राजा आऊं तेरी रानी खाओ खसमा कर जिया और रानी तू क्या गलाई ना है मैं लारा बसना जोगिया नहीं पांदा जोगिया हूं जंगल प्यारे माया और ममता जोगी नहीं नंदे जोगिया जो खीर खंडा भोजन पा और क्या ओए जोगी दर दर चुट का नहीं बोल गुरु के विचड़ाना भोजन ये जोगी गया बाजार में दर दर मांगे भीख रानी पुली ना पुली कितो सुंदरा रानी है पर जोगी ना हुंदे किसी के मीत रानी है और क्या वट जपने खल गिरा रानी हां जोगी नहीं लाजे बनते नहीं और मां तो पे जाना नहीं अरे पूरन मैं तुझे जाने दे सर तू मेरे जाने दे प्यारा पूरन सोचा और वो छापा पे गा बे ना ना जे से गोरख भेज गा ना पुतंदर तान सही ता तब जे खुगे और रानी तू ए बेटे दे ना मुझे पीछा और क्या फिर चल मा कर जे बाबा गोरख जी भेज देंगे ता हम आ जांगा
राणी ने विचार किया सच्ची गल लगेटा राणी सुंदरा ने खीर खंड का भोजन तैयार करके पूरन को भिक्षा दे दी आगे पूरन और पीछे राणी सुंदरा सारे शहर जो लोग खड़े हो गए हलो ये क्या हुआ है ये रानी सुंदरा से जड़ी जोगिया कत्ल करावा थी आज वही रानी सुंदरा से जो जोगिया पीछे जावा थी चलो देखिए भला सखी थी जान आपके पूर्ण पीछे सुंदरा पीछे शहर से लोग जब आप बाकर नेड़े गए तो सारे चेले खड़े हे बाबा गोरखनाथ नठो भला क्या करो गल खरी महाराज से जदे भेजीरा ना एक पूर्ण पूर्ण अरे कंचेड़े भांजने देख तेन पता नहीं क्या पसंदाल करता सुंदर आ रहे महिला चो हाँ देख सारे सर आ रहे लोग दौड़ रहे घड़े घड़े मुंडे दौड़ रहे भला ये नाले छाड़ रहे थे तू सी जने एक फेरिए बाबा गोरखना तंतियो पूर्ण गोरखा रे चरना के आ भोजन रखा बाबे रे मुरे हे महाराज भोजन अर्पण करो हमसा सुंदर थारा भोजन लिया गोरख जी के चरणों में लम्मा पड़ जाता है इतनी बाबा गोरखनाथ देखा था सुंदरा भी सामने खड़ी गोरख जी मुस्कुराने लगे भाई हाया पूर्ण बड़ा कमजोर पीछे डाली रानी सुंदरा आंधी साथ सुंदरा डाली पर सारे सारे लोग झंडा ही पट्टी करनी बाबा गोरख ने कहा अरे रानी सुंदरा तू क्यों आई महाराज बचन देते मुझे ले गोरख ने बचन देता तो रानी सुंदरा ने कहा मारा बचन नभाने का छोड़े तब फिर क्या बोला है गोरखनाथ था जो है पूर्ण बीजोगी दे दला में कहिए गुरुआ दे दला में कहिए इस नाथ भेजा मैंने चाहिए तो पूर्ण ये क्या करने कोई लंगड़े टूडे गिलड़े कान कोई बड़ा बड़ा फेरता चाहिए पूर्ण चाहिए नहीं तो बचना गोरख बोला पूर्ण पूर्ण कहना मन के चली जा मेरे बचन इलाज रख अच्छा महाराज चली जाऊंगा पर एक गल रही जे हूं बाटा ते आ जाऊं पर झाटी में ता फिर वो तू चली जा सब ने मेरे सामने मेरी भावे पुछवाड़े पीछे झाटी आया और क्या
पूरन चले गया सुंदरा के दर पर। फिर बोलता सुंदरा रानी मैं जोगा अभ्यास बीच नहीं महिला च जा सकता, मुंजा राजे आले वस्त्र लिया। और रानी चली गई महिला च, पूरना लगी पसाकिया ताल में बांकिया बांकिया सर जी कपड़े री तिरटा सिरटी कर दी। पूरन ने झोली कर मंडल सट्टिया उठ नठ गोरख जी के नेड़े आ गए। सजना दूजे किनारे सुंदरा रानी पानी च रखिया ते देख जू दूर दिशा जाता पूरन। हायो पूरन वह पूरन तेने क्या किया, मेरी जान को कलंक लगा दिया है, सारे जहान के बीच में बदनाम कर दी है, अब तो मेरा जीना हराम हो गया है। बोलती क्या कहेंगे लोग कि यह थी वह रानी सुंदरा। बोलती मान जब जाता है जीना है किस काम का, है उचित मरना ही दुनिया में इस बदनाम का, सह शक्ति नहीं इतने बड़े अपमान को, अब खोना ही भला है मुझे अपनी जान को, अब इस जीवन से मरना अच्छा है, का जो जीवना बेजते तो ही जानी। रानी सुंदरा चुवारे पर खड़ी, पूर्ण के वियोग में मारी छलांग रानी सुंदरा सर्वनाश हो जाती। रानी मर गई और पूर्ण गोरख दे मगर पैया न मारे दे मुझे गुरलक्ष दे दो चेले बनाए दो। ए नहीं बनना पूर्ण चेला, वो मारा कहा रानी सुंदरा मरी जी तेरे पीछे प्राण देने, तुझे जीवात्मा की हत्या लग चोटी गल मरी ता सुंदरा मरी, मैं थोड़ी बल्ले छोड़ देखने मरिया मुझे चेले बना ले नहीं मारे मर जाना तू लड़े पे। बाबा गोरखना सोचता सब बबुए मरने वाले हम किस किस जो बचांगा। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं जोगाभ्यास मिलेगा, पहले तू जा अपनी माँ इच्छा के हाथों की भिक्षा ला तब तुझे गुरुलक्ष मिलेगा। वो महाराज मेरी माँ ने क्या भिक्षा देनी, ना जाने मेरी माँ का क्या हाल होगा, मेरी माँ के लिए कलेजे दाग लगा है मुझे पूरन का, चाहे हो आंखों से अंधी होगी मेरी माँ की बिखड़ा हाल। जाओ बेटा तुम घबराओ मत, वहां चले जा जहां कत्ल किया था, सब लोग तेरे पास आएंगे, सलेमान लूणा सहित इच्छरा भी तेरे पास आएंगे। पूरन चले गया जहां पर कत्ल हुआ, सुक्या बागा बीच बैठ गया। बहुत अच्छा, तो सतगुर की दिन है सुक्के बाग हरे हो जाते हैं, माली हरी हट फेरने लगे, मोर पायला पाने लगे, कई पुतारे दान लगा देने, कोड़ी एरिया काया चंचल करने लगा। शाबाश ते भागा जे माली ने सोचा जोगी नहीं है तो भगवान है, चलो राजा सलेमान अरे नहीं कोई भी बाल जाओ, था भी पहले एक ही छरारे से तो बड़ा भारी बदमाश था, से तो राजे खत्म कराई था, ये लूणा रे नहीं है किसे भाई। माली जो है राजा सलेमान के पास बोलता है महाराज भागा बिच जोगी पुत बांडने आई रहा, चल महाराज और क्या तुसे भी पुत्र प्रदान मांगो। हाँ राजा सलेमान ने विचार गए और मेरी प्यारी लूना ही सारे था किसने से जब वह था इशरारे से तुम्हें मुकवाई थी और क्या, चल लूना चल आशा कोई बालक मांगना। लूना और सलेमान भागों में आ गए तो पूरन ने देखा वो मेरा बाप है ये मेरी मासी है, जादे क्या बोलू है बे टाइम थोड़ा भाई। राजा सलेमान जो है पूर्ण के चरणों पे सर झुकाने लगा, पूर्ण दूर खड़ा हो शाबाश खबरदार राजन पीछे रहो मेरे चरणों के साथ हाथ नहीं लगा बिल्कुल नहीं। लूणा सोचा है रे जाने बुला दे हो जो भी मुझे पुत्र प्रदान दे दे, रानी पुत्र प्रदान ता मिलना पहले सच गला दे। मर गया बोला केड़ा पहले था कोई बालक तू सारे महिला च सच बोल। ता लूणा क्या बोले पहले भी ये थी यार एक बालक हमारे जोगी बालक हमारे है।
भी था सारे बालक, पर मेरी आ सौकनी रे था, मेरे न था किस नहीं, पूर्ण नाम था तेसरा। हे राजन मैंने वो कत्ल करा दिया है, अब कुछ नहीं। अब राजा सलेमान तलवार लेके खड़ा है भाई, पूर्ण खड़ा है, खबरदार इस रानी को कुछ बुरा बोले, जा रानी मैं तुझे वरदान दे देता है, एक बालक होगा तेरे, लेकिन राजा रसालू नाम होगा, और 12 साल तेरे पास रहेगा, 13वें साल प्रदेश सुनो जाएगा, मुड़ के नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसा जीवित दाग तेने इसरा के किले जलाया पूरन का, तुझे भी लगेगा। राजा रानी चले जाते हैं, और रानी इसरा को सखियां पकड़ के भागो मिले आती, जय हो, और पूरन के पास, पूरन का गलाना सुना, इसरा ने पहचान लिया मेरा लाडला पूरन है। अरे तू तो मेरा पूरन नहीं, माँ मैं तेरा पूरन नहीं, तू बोल क्या आखिए, क्या कहूं, तू पहले बोल मेरा पूर्ण है या नहीं। नहीं मैनी, आओ पूर्ण बोला, पूर्ण पूर्णी बोला है। अच्छा जोगी तू मेरी गोदा चाह, जे मेरा बच्चा पूर्ण होगा अपने आप दूध दी धार छूट जानी, जय हो, नहीं होगा कोई दूध दी धार नहीं आएगी, ता पूर्ण क्या करा। उठे अभी पूर्ण लगो गोदियाज बैठे या, गोदियाज बैठे बैठा। सतगुरु की मेहरबानी, इछरा के नैनो ज्योति आ गई, और दूध वाते बच्ची तारा दूध दिया बग जाता। रानी इछरा अपने बच्चे पूर्ण गोदा लेके गुड़ दी, तू मेरा पूर्ण है, माँ हाया मैं तेरा पूर्ण, पर जा मुझे भिक्षा दे दे, मैं अपना योगाभ्यास संपूर्ण कराना है, जा माँ खीरखंड का भोजन लाओ, मैं गोरखनो भोजन चढ़ाना है। माँ इछरा जो है अपने बच्चे पूर्ण को भिक्षा देंगी है। भर थाली खीर खंड दी इछरा महला भिक्षा देन नो आई, आज राजा दे बनी गया जोगी, ओ जोगी हो पूर्णा, जोगी हो पूर्णा, आज राजा से बनी गया जोगी, ओ बेटा हो पूर्णा, बेटा है पूर्णा, आगे राजे से बनी गया जोगी, बेटा हो पूर्णा, बेटा हो भिक्षा दे देती है अपने पूरन को, जय हो, और पूरन जल्दी जल्दी बार बोल रहा, माँ सुखे बस है तेरा सियालकोट, जोगी फिर भी कभी आएंगे। पूरन सतगुरु गोरखनो भिक्षा दे देता है, भोजन चढ़ा देता है, जय हो, और गोरख जी पूरन को कानिया चेला बना के अपने पास बैठा लेते हैं। शाबाश, भजन संपूर्ण होता है वो।